अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है यार सबका। वेलकम बैक है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यार आज की वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोग इन्जॉय करने वाले हो। यहाँ पे नया हेलोवीन मोड आ गया और हम लोग इसे ट्राई करने लगे हैं, और यहाँ पे हम लोग हॉट ड्रॉप पे कूद रहे हैं, तो देखो हमारी आगे चल के कैसे फाइट होगी। और भाई लोग जिसने हेलोवीन मोड खेला है सबको कैसा लगा यार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पर हम लोग कूद चुके हैं और देखो आगे चल के क्या होता है। अब यहाँ पर दो बंदे मेरे साथ ही कूद जाते हैं, इनसे बचते बचाते एक गन पकड़ते हैं और इनको मारने चलेंगे। अब यहाँ ये दो बंदे मैं डाउन कर देता हूँ, और ना चाहते हुए इनको मुझे फिनिश कराना पड़ता है क्योंकि इनका लास्ट वाला बंदा पुश नहीं कर रहा होता। अब इनके थर्ड वाला बंदा बाहर होता है, इनको फिनिश कराती उस पर पुश करेंगे हम। आइए गाइस यहाँ पे हमारा 1v3 इन बंदों पे कंप्लीट हो जाता है। आगे और बंदे फाइट कर रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग पुश कराते हैं। अब इन दोनों बंदों को जैसे ही नॉक फिनिश कराता हूँ, मेरा टीममेट भी आगे नॉक फिनिश हो जाता है, तो यार इसके वाले एनिमी से भी लड़ेंगे हम। अब इन दोनों बंदों को मैं नॉक फिनिश करा देता हूँ, और आगे चल के मुझे एक और बंदा स्पॉट होता है। अब इस बंदे पे मैं नेड कराने की सोच रहा होता हूँ, मगर मेरा नेड मेरे पर ग्लिच होकर आ जाता है। अब ये बंदा सामने से पुश करा रहा हूँ, मैंने एक और नेट की पिन खींच ली है, अब मेरे क्लोज आ जाएगा ये इतनी देर में। भाई साहब यहाँ पे मुझे लगा था ये नेट से फिनिश हो जाएगा, मगर ये जैसे तैसे हम करके इसको मार देते हैं। और यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फाइट की तरफ। अगली फाइट हमारी इस अपग्रेडेबल बंदे के साथ होने वाली है। अब यहाँ पे सीन ऐसा होता है कि दो टीम फाइट कर रही होती है, मैं एक बंदे को मारता हूँ। अब इस वाले बंदे को मारते के साथ मैं दूसरे वाले घर में चला जाता हूँ, और सामने एक्सूट वाला बंदा दौड़ता हुआ आ रहा होता है। अब इस बंदे की तो मैं ओपन में ले लेता हूँ, मगर इसका सामने से टीममेट इसको कवर दे रहा होता है, तो मैं इसको फिनिश नहीं करा पाता और नेट ट्राई करूँगा। इसका टीममेट इसको रिवाइव देने आ गया होता है। अब यहाँ मैं अपना फाइनल वाला नेट ट्राई करता हूँ, और इसमें एक्सूट वाला बंदा फिनिश हो जाता है। अब जैसे ही इस बंदे को मैं नेट से फिनिश करता हूँ, इसके बंदे को गुस्सा आ जाता है और मुझ पर पुश कर देता है। आइए गाइस ये वाले बंदे को मारते साथ हमारा 1v2 भी इन बंदों पे कंप्लीट हो जाता है, और बढ़ते हैं हम लोग नूसा की फाइट की तरफ। ये हमारा पूरा गेम प्ले होने वाला है, तकरीबन एक ही जगह पर हमारी फाइट होती है। नॉक कराती फिनिश करा देंगे, और अब आगे और तीन बंदे आ जाते हैं, और इनसे हमारी देखो कैसे फाइट होने वाली है। आइए गाइस इन बंदों का ध्यान बॉट की तरफ होता है, और यार आखिरी वाला बंदा बहुत गलत तरह से मरता है, लेकिन अब मैं भी यहाँ पे गलत तरह से मरने वाला हूँ। अब यहाँ ऊपर से और दो बंदे रिकॉल होकर आ जाते हैं और मुझे नॉक फिनिश करा देते हैं। अब हम यहीं वापस से कूदेंगे। अब यहाँ सामने मेरे टीममेट पे दो बंदे पुश कर रहे होते हैं, और इसको देखो कैसे कवर देता हूँ मैं। बंदों को मारती है, हमें पीछे की तरह से फायर आता है, और हम लोग अब उस तरफ चलेंगे। यहाँ पे मैं अपने बेचारे टीममेट का किल चुराने वाला हूँ, और देखो अब मुझे क्या बोलेगा वो।
दलील दलील है बगैर क्रांति। अब यहाँ ये दो बंदे होते हैं, इनको जल्दी से हम लोग फिनिश कराते हैं और इतने में मुझे ऊपर से फुटस्टेप्स आते हैं। लग रहा होता है मेरा 1v4 कंप्लीट हो जाता है, मैं बड़ा खुश होता हूँ। इतने में मैं किल फीड पड़ता हूँ तो यार मेरा टीममेट मेरा किल चुरा चुका होता है। आइए गाइस फाइनली अपने टीममेट को मारते ही हमारा 1v4 कंप्लीट हो जाता है। 1v4 कैसा लगा यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट फाइट की तरफ। अब यहाँ सामने मैं एक बंदा नॉक कर देता हूँ और इतने में यार इसके टीममेट इसको बचाने के लिए आ रहे होते हैं तो जल्दी से इस पर पुश कराते हैं। आइए गाइस यहाँ पे हमारा 1v3 कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी यार लाइक कमेंट शेयर यार क्या कर रहे हो यार करो यार चप्पल फेंक के मारो यार और सब्सक्राइब बटन पे लाइक भी करो यार। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।